नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरुधरा न्यूज। आइए जानते हैं आज शाम 6 बजे की राजस्थान सहित देश की 10 बड़ी खबरें। डोटासरा बोले चुनाव आयोग पंगू बना, निर्वाचन आयोग निष्ठुर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव आयोग को पंगू बताते हुए सवाल उठाए हैं। डोटासरा ने कहा निर्वाचन आयोग को बीजेपी और मोदी सरकार ने घेरे में ले रखा है, दबाव बना रखा है। कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को जो भी शिकायत की गई उनमें से एक भी शिकायत पर किसी बीजेपी नेता को नोटिस नहीं दिया गया। एक तरीके से चुनाव आयोग पंगू बन गया है। उन्होंने कहा निर्वाचन आयोग तो निष्ठुर हैं, कुछ भी जवाब देने को तैयार नहीं है। अमूल के बाद मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, फुल क्रीम दूध अब 68 रुपये में मिलेगा। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दाम में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने 3 जून से दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। अब मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध की कीमत 68 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि टोंड दूध की कीमत 54 रुपये से बढ़ाकर 56 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। SHO समेत 8 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा, रेप केस के आरोपी को पीट पीट कर मार डाला। झुंझुनू के मंडरेला SHO रविंद्र कुमार समेत 8 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। रविंद्र कुमार को सस्पेंड भी किया गया है। आरोप है कि रेप के आरोपी युवक को पुलिसकर्मियों ने पीट पीट कर मार डाला। पीड़ित परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया था। ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को उम्र कैद, पाकिस्तान के लिए जासूसी की थी। ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व सिस्टम इंजीनियर निशांत अग्रवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। निशांत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के दोषी पाए गए हैं। उन्हें साल 2018 में गिरफ्तार किया गया था। अग्रवाल फेसबुक पर नेहा शर्मा और पूजा रंजन नाम के दो अकाउंट से चैट किया करता था। जाँच में सामने आया था कि दोनों अकाउंट्स को पाकिस्तानी खुफिया एजेंट हैंडल कर रहे हैं। मंत्री किरोड़ीलाल बोले 7 सीटों में से एक पर भी भाजपा हारी तो इस्तीफा दे दूंगा, प्याऊ पर पानी पिलाऊंगा। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मुझे PM नरेंद्र मोदी ने 7 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने कहा अगर इन 7 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट पर भाजपा की हार हुई तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा और यहाँ पानी पिलाऊंगा। मंत्री मीणा सोमवार को दौसा में मीडिया से बात कर रहे थे। जयराम के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन बोला शक का इलाज नहीं, दावा शाह ने 150 कलेक्टरों को धमकाया। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले सोमवार को इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए कहा शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। कांग्रेस नेता ने शनिवार को कहा था कि शाह ने 150 कलेक्टरों को धमकाया है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 13 बारातियों की मौत हो गई, इसमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। 40 अन्य बाराती घायल हुए। लाशों को निकालने के लिए मौके पर SCB मंगवानी पड़ी। बारात झालावाड़ से मध्य प्रदेश के राजगढ़ जा रही थी। ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर नशे में था। बाजार 2700 अंक उछला, निवेशकों ने 12 लाख करोड़ कमाए, सेंसेक्स रिकॉर्ड हाई पर। चुनाव नतीजों से एक दिन पहले शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 2700 पॉइंट की तेजी के साथ 76738 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी ने भी 808 पॉइंट की तेजी के साथ 23338 का ऑल टाइम हाई बनाया। शेयर बाजार में आई इस तेजी से कारोबार के दौरान निवेशकों की वेल्थ लगभग 12 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। छात्रा को ब्लैकमेल कर 5 लाख ऐंठे, गैंगरेप भी किया। 11वीं की छात्रा से गैंगरेप और ब्लैकमेल कर 5 लाख रुपए ऐंठने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक नाबालिग को डिटेन किया गया है। मामला अजमेर के किशनगंज थाना क्षेत्र का है। मामले में अजमेर रेंज IG लता मनोज कुमार के निर्देश पर SIT का गठन किया गया है। लड़कों का ये गैंग कॉलेज, स्कूल और कोचिंग की छात्राओं का शिकार बनाता है। कश्मीर के पुलवामा में 2 आतंकियों का एनकाउंटर, इसमें टॉप कमांडर रियाज अहमद डार शामिल। कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आज सुबह से एनकाउंटर चल रहा था। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सेना की एक जॉइंट टीम ने निहामा में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान छिपे हुए आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। एक आतंकी की पहचान टॉप कमांडर रियाज डार के रूप में की गई। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक ले नमस्कार। जय हिंद, जय राजस्थान।